मध्य प्रदेश किसानों द्वारा संचालित एवं मध्य प्रदेश शासन की योजना के अंतर्गत गठित किसान उत्पादक संगठन के राज्य स्तरीय परिसंघ मध्य भारत कार्सोटियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा सोयाबीन खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया गया। भारत सरकार की योजना किसान उत्पादक संगठन APO का किसानों द्वारा संचालित व्यवसाय संगठन को प्रोत्साहन देने की योजना के अंतर्गत इस योजना को संचालित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ सांसद अनिल फिरोजिया कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा इंगोरिया स्थित एक निजी गार्डन में किया गया। सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह सारी योजनाएं शुरू की जा रही है, जिससे किसानों को लाभ मिल सके और कृषि को लाभ का धंधा बनाने की जो प्रधानमंत्री का सपना है वह पूरा हो सके। खरीदी केंद्र के बारे में बताया गया कि पूरी पारदर्शिता सही तो व समय पर भुगतान किया जाएगा। इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र के कई किसान भी मौजूद रहे। साथ ही इंगोरिया क्षेत्र में सोयाबीन खरीदी केंद्र खुलने से क्षेत्र के किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। अभी तक किसानों को सोयाबीन की फसल बेचने के लिए उज्जैन या बड़नगर जाना पड़ता था, जो कि इंगोरिया से 25 किलोमीटर दूर है। क्षेत्र के किसानों का समय भी बचेगा और अपनी फसल समय पर बेच पाएंगे। किसानों की फसल आसानी से बिके और किसानों को फायदे में रहे, इस प्रकार से क्या रहा? आज बड़नगर में टोल काटे का उद्घाटन हुआ, उसमें कलेक्टर साहब भी आया, ये भी आया है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का तो सपना है कि किसानों की आय को दुगना करना, तो उसके लिए सहायता समूह बनना चाहिए, किसानों का FPO बनना चाहिए और उसमें अच्छा उत्पादन हो, वेयर हाउस बने, फूड प्रोसेसिंग हो, उसको लेके एक सेमिनार भी यहाँ रखा गया था और यहाँ पे आसपास के जितने किसान भाई लोग आए थे उनको इसकी जानकारी दी गई है, ताकि हमारे किसान समृद्ध बने। और जो किसान बिल आया है उसके ऊपर भी हमने यह जानकारी दी, किसानों को बताया कि ये बिल उनके हित में है, उनके आगे भविष्य को देखते हुए ये बिल लाया गया है, ताकि हमारा किसान डायरेक्ट अपनी फसल को बेचे और उसको फायदा, सीधा उसको फायदा मिलना चाहिए। जो प्रधानमंत्री की मंशा है कि किसानों की आय को दुगना करना है, ये उसके लिए ये खरीदी केंद्र कहाँ पर शुभारंभ किया गया है, किस प्रकार से इसके फायदे होंगे, क्या रहेगा? खरीदी केंद्र की शुरुआत हम उज्जैन जिले में, हमारा एक तो इंगोरिया है, यहीं पे इंगोरिया में जो चौपाटी है सपना मैरिज गार्डन में स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा हमारा उज्जैन जिले में ये एक ढाबला हरदू है, जो काली सिंह फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, उसके साथ में चालू कर रहे हैं। और यहाँ जो खरीदी होगी वो पूरा पारदर्शिता तरीके से होगी, उसमें पूरा जो रेट है डेली का रेट वो डिस्प्ले किया जाएगा और हमारे किसान में जो ग्रुप है व्हाट्सएप के माध्यम से वो डेली रेट सभी को पहुंच किसान भाइयों को पहुंचाया जाएगा। और उसके बाद में जब किसान लेके आएंगे तो उसका ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरा किसान के सामने उसका एनालिसिस होगा और एनालिसिस के बाद में जो भी उसका रेट तय होगा और किसानों को अगले दिन किसान के खाते में भुगतान हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर किसान को इसमें भुगतान हो जाएगा। आपका नाम और पद? जी, मेरा नाम संजय पंड्या है और मैं मध्य प्रदेश के जितने भी किसान उत्पादक संगठन है APO, उनका राज्य स्तरीय परिसंघ है भोपाल में, मध्य भारत कंसोर्टियम, उस मध्य भारत कंसोर्टियम में रीजनल मैनेजर हूँ, पूरा मालवा और निमाड़ में देखता हूँ। बड़नगर मध्य भारत कंसोर्टियम ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा आज इंगोरिया में खरीदी केंद्र सोयाबीन का लोकार्पण सांसद अनिल फिरोजिया कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा किया गया। साथ ही इस अवसर पर क्षेत्र के किसान भी मौजूद रहे, जिनको कृषि संबंधित जानकारी भी कंपनी द्वारा दी गई। इसी के साथ ही सांसद अनिल फिरोजिया ने भी किसानों के बारे में और शासन की योजनाओं के बारे में भी जानकारी किसानों को दी और किस तरह से खेती को लाभ का धंधा बनाया जा सकता है इसके बारे में भी जानकारी जनप्रतिनिधि और कलेक्टर द्वारा किसानों को दी गई। इसी के साथ ही खरीदी केंद्र होने से किसानों को इसका लाभ मिलेगा। आज बड़नगर में APO का टोल काटे का उद्घाटन हुआ, उसमें कलेक्टर साहब भी आया, ये भी आया हूँ। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का तो सपना है कि किसानों की आय को दुगना करना,
तो उसके लिए सहायता समूह बनना चाहिए, किसानों का एफपीओ बनना चाहिए और उसमें अच्छा उत्पादन हो, वेयर हाउस बने, फूड प्रोसेसिंग हो, उसको लेके एक सेमिनार भी यहाँ रखा गया था और यहाँ पे आसपास के जितने किसान भाई लोग आए थे उनको इसकी जानकारी दी गई है ताकि हमारे किसान समृद्ध बने और जो किसान बिल आया है उसके ऊपर भी हमने यह जानकारी दी, किसानों को बताया कि ये बिल उनके हित में है, उनके आगे भविष्य को देखते हुए ये बिल लाया गया है ताकि हमारा किसान डायरेक्ट अपनी फसल को बेचे और उसको फ़ायदा सीधा उसको फ़ायदा मिलना चाहिए। जो प्रधानमंत्री की मंशा है कि किसानों की आय को दुगुना करना है, ये उसके लिए मील का पत्थर साबित।